अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया तो उसका स्टेटस एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इस बार जो है कॉलेज की ओर से काफ़ी ऑब्जेक्शन भेजे जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक मार्कशीट नहीं आए, या फिर कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फीस रसीद को लेकर के जो है ऑब्जेक्शन दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो है अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं आपके जो फॉर्म है उसमें ऑब्जेक्शन आ जाए, और अगर आप उसको जो 30 दिन के अंदर क्लियर नहीं करवाते तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किन कंडीशन में जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, और आपको जो है अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचने के लिए क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हर एक जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है एक स्टूडेंट का फॉर्म यहाँ पे ओपन किया है, तो आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस स्टूडेंट ने 19/11/2021 को जो है फॉर्म अपना सबमिट किया था, उसके बाद में इसका जो है ऑब्जेक्शन आया था रॉन्ग सेशन, तो इसने वापस जो है 31 तारीख को जो है इसने वापस अपना जो फॉर्म वापस रिसबमिट कर दिया। उसके बाद में इसमें कॉलेज से वापस से जो है ऑब्जेक्शन आया है, तो इसमें पूछा गया कि अंतिम परीक्षा पास की ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करें, या फिर जो आपने मार्कशीट अपलोड की उसको कॉलेज से वेरीफाई करवा कर अपलोड करें। तो इस प्रकार से जो है इसमें ऑब्जेक्शन दिया गया था। उसके बाद में इसमें वापस से जो है स्टूडेंट के ओर से यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्शन क्लियर किया, तो उसने इसमें लिखा है कि मार्कशीट कॉलेज से वेरीफाई करवा कर अपलोड कर दी गई है, और उसके बाद में वापस से 17 तारीख को जो है कॉलेज की तरफ से ऑब्जेक्शन इसमें दे दिया। तो जो ऑब्जेक्शन में कहा है कि समाज कल्याण विभाग के आदेश अनुसार अंतिम परीक्षा पास की ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करें। तो देखो, पहले तो यहाँ कॉलेज वालों ने इसमें ऑब्जेक्शन दिया था कि जो है मार्कशीट अपलोड करो, तो उसमें जो साइन सील करवा के अपलोड करो, फिर उसके बाद में कॉलेज वाले ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करो। तो फ्रेंड्स, अब किसी स्टूडेंट्स की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई, अब भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए, तो आगे देखना, इसमें मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्लियर करते हुए कहा है कि कॉलेज में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आए, इसलिए ऑनलाइन वाले मार्कशीट पर प्रिंसिपल महोदय के साइन सील करवा करके अपलोड कर दी गई। तो इस प्रकार से जो है स्टूडेंट ने जो है ये टिप्पणी करते हुए वापस से दूसरी वाली जो मार्कशीट है वो अपलोड कर दी। उसके बाद में कॉलेज वालों ने वापस ऑब्जेक्शन दे दिया, तो यहाँ पे कॉलेज वालों ने कहा कि फीस की ओरिजिनल रसीद कॉलेज से प्राप्त कर अपलोड करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलेज वालों ने कितने ऑब्जेक्शन दिए। तो आप देखना, उसके जो जवाब में स्टूडेंट ने यहाँ पे कहा कि पीएस की जो ओरिजिनल रसीद कॉलेज से प्राप्त करके अपलोड कर दी गई, तो ये ऑब्जेक्शन क्लियर करवाते हुए स्टूडेंट ने इसमें टिप्पणी की है। तो उसके बाद में जो है कॉलेज द्वारा जो उसका फॉर्म है वेरीफाई कर दिया गया। तो इतने ऑब्जेक्शन के बाद में जो है देखो, एक स्टूडेंट का फॉर्म है वो वेरीफाई हुआ, तो यहाँ पे आपको 16 तारीख को जो है अभी कल या परसों में ही इसका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपने फॉर्म में ध्यान नहीं देता, तो उसका जो फॉर्म है अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो वो 30 दिन के अंदर रिजेक्ट हो जाता है। मैक्सिमम कंडीशन में जो 30 दिन के अंदर रिजेक्ट हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। तो जो रिजेक्ट फॉर्म होता है वो है ना सिस्टम की ओर से रिजेक्ट होता है, उसमें कॉलेज वालों का कोई रोल नहीं होता। अगर आप ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करवाते तो सिस्टम के द्वारा ऑटो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपने फॉर्म फिलअप करवा दिया, आपने एकदम कंप्लीट डिटेल भी फिलअप किया ना, तो भी आपको अपना फॉर्म चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि जो है कॉलेज वाले किसी भी बात पर ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो आपको जो है अपने फॉर्म का स्टेटस रेगुलरली आपको 5-7 दिन के अंदर चेक करते रहना चाहिए, जब तक आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हो जाता, जब तक आपका फॉर्म DLO से अप्रूव नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो 3-4 स्टेप पे वेरीफाई होकर जो है अपनी स्कॉलरशिप डालती है। तो उसके बाद जो वीडियो मैं आप जल्दी बना दूंगा कि किस प्रकार से जो कितने स्टेप से होकर जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म गुजरता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं आपको जल्दी उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है और आपके अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो उसको किस प्रकार से क्लियर करना, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप जैसे ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तो आपके सामने अपने फॉर्म का प्रीव्यू इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ एक फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूँ जिसमें ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो आपको उस वाले फॉर्म का मैंने जो है एक स्टूडेंट की प्रोफाइल ओपन कर रखी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इस प्रोफाइल में यहाँ पे ऑब्जेक्शन आया हुआ है, तो मैं इसको आपको क्लियर करके दिखाता हूँ कि आगे किस प्रकार से जो है क्लियर करना। अगर फ्रेंड्स आपके जो मार्कशीट अभी तक नहीं आए, या फिर आपके जो है पास में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको किस प्रकार से ऑब्जेक्शन क्लियर करवाना है, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शन वाले इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो वापस से रिसबमिट के लिए ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है इसमें जो भी यहाँ पे मांगे तो वो एक बार आपको वापस से अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपको सिंपल सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको इसमें जो है ऑब्जेक्शन आया था पीएस की रसीद की, तो यहाँ पे आपको पीएस की रसीद अपलोड कर देनी है, या फिर मार्कशीट है जो वो कॉलेज से वेरीफाई करवा के आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे टिप्पणी वाला।
तो फ्रेंड्स आपका जिस भी चीज़ के लिए आपका जो ऑब्जेक्शन आया है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है और कॉलेज ने आपसे ओरिजिनल मार्कशीट मांगे है तो इस टिप्पणी में आपको लिखना है कि अभी हमारे कॉलेज में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई, हमने जो मार्कशीट है कॉलेज से वेरीफाई करवा के अपलोड कर दिया। तो इस प्रकार से आपको इस टिप्पणी में लिखना है ताकि कॉलेज वालों को पता चल जाए कि स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो क्यों जो है ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड नहीं कर पा रहा, क्योंकि कभी कभी कॉलेज वालों को पता नहीं रहता कि किस कारण से जो है स्टूडेंट अपने ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड नहीं कर पा रहा है या अपना अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर लिखना है। अगर फिर आप इसमें कुछ लिखते नहीं तो कॉलेज वाला जो है वो डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्शन ही देता है और कुछ नहीं करता। अगर आप इसमें टिप्पणी कर दोगे तो वो समझ जाता है कि इसमें जो है स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम आ रही है तो वो देख लेता है। तो कभी कभी वो ऑब्जेक्शन नहीं करता या फिर ऑब्जेक्शन कर देता है लेकिन रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इस कंडीशन में रिजेक्ट करने की संभावना कम हो जाती है। तो आपको जो है इस प्रकार से करना है, अगर आपके मार्कशीट नहीं आए तो आपको कॉलेज से वेरीफाई करवा के अपलोड कर देना और यहाँ पर टिप्पणी जरूर करनी है। आपको मार्कशीट की नहीं, आपके अगर पेज की रसीद की आ रही हो या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स की आ रहे हो तो उसमें आपको टिप्पणी करके जो है उसके बाद में आपको अपडेट करना है अपना फॉर्म है बस उसका जो ऑब्जेक्शन है वो सबमिट करना है। तो इस प्रकार से जो आपको जो है अपना स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म चेक करना है या उसका जो ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। तो यह छोटी सी जानकारी थी जो हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि उनकी जो स्कॉलरशिप उनको मिल सके, उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स अगर आपका ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसको 30 दिन के भीतर आपको क्लियर करवाना होता है। अगर आप उसको क्लियर नहीं करवाते तो आपका फॉर्म है वो ऑटो रिजेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हो या और भी अपडेट चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलता रहे।